जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम्हें अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर ठीक कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है, उसे दुनिया की औकात देख ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में लोगों को परखने की आदत डाल लो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही कुछ और है। ना किसी की ज़रूरत है, ना किसी से उम्मीद है। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजों को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुझे गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उससे अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस भी आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ होता है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली जैसी होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे है जाना। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके है दिखाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है।
जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगी। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी करना ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ जा सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बात गलतियों की नहीं होती। शक का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्दों से तीखा कोई बाढ़ नहीं है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है हमने किस पर आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई कार्य भगवान को याद करके करते हैं, उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थितियाँ परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वो दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी को कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान के संगत में बैठता है, उसे गुणवान समझ लिया जाता है और उसे सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि यही एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति के संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति सोच समझ कर और सावधानी से बनाइए। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदल लीजिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, पेड़ नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और बोले जय श्री कृष्णा।